हे गाइस, दिस इज कृष्णचंद्र जाना एंड यू आर वाचिंग द लर्नर स्टडीज यूट्यूब चैनल। समस्त को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने बा कौन से टिके आलोचना करदे आलोचना करवा वीडियो टी कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट जोड़ा कि आम का आम डिस्कस करें सिलेक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट विषय में। तो वीडियो टी आम डिस्कस करवा कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट। ओके, तो तापूर्व मुझे समस्त कहीदेवी वीडियो टी रेकॉर्डेड अच्छे समस्त ऑलरेडी जान भी पार जापर समस्ते कि जानवा अपेक्षा मुझे पूर्व कहीदे तुमको एश्योर करदे आगर है कि वीडियो टी रेकॉर्डेड अच्छे कहीं भी कमेंट करने आवश्यक न रेकॉर्डेड की बोलिकी ठीक अच्छे ना रेकॉर्डेड अच्छी तो रेकॉर्डेड ही अच्छी। ओके, तो रेकॉर्डेड कर मुख्य उद्देश्य मोर कि गोटे कार्य पड़ा अच्छे मुझे चली जाइए है कि तो क्लास तो अभी बंद करें कारण जमी एग्जाम पाखे आसने क्लास टोटाली बंद करहब ना से जो पिस्थित आमको क्लास देवार अच्छे कंडक्ट करार अच्छे। ओके, बोध से बेस किसी एफेक्ट पकेब ना सब गुड़ाक मैनेज हो। ओके, तो कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट कौन एटा तो देख कंस्ट्रक्टेड मान कौन किसी गोटे या कि गोटे कंस्ट्रक्ट करवा कि गोटे तैयारी करिवे बोली आमे कहिबा। तो आर एसेसमेंट माने कौन जोड़े कि पिलार आमे एचिवमेंट को मापी थाउ एचिवमेंट बा तार आबिलिटी को आमे कौन करथौ डिटरमाइन बा एस्टिमेट करिया पे आमे यूज करथौ। तो रेस्पोंस कौन जो पिला आंसर दउछि सेटा को आमे रेस्पोंस बोली के कहिथौ। क्लियर हला कि ता अर्थ कौन होछि एटी कंस्ट्रक्टेड रेस्पोंस असेसमेंट रे कौन हबो पिला कौन करिवो एटी आंसर कंस्ट्रक्ट करिवो एस जो रेस्पोंस टा तैयारी करिवो एही असेसमेंट पई जो रेस्पोंस तैयारी हबो ए रेस्पोंसटा कौन करिवो से कंस्ट्रक्ट करिवो बा तैयारी करिवो। क्लियर हेगला कथाटा। सिलेक्ट सिलेक्टेड रेस्पोंस असेसमेंट से कौन करथिला जस्ट आंसर टी को सिलेक्ट करथिला किंतु एठी कौन हबो असेसमेंट पई जो रेस्पोंस हबो बा जो आंसर हबो सेटा को पिला कौन करिवो तैयारी करिवो सिलेक्ट करिवोनी हला कि तैयारी करिवो माने आमे कहि परबा किछ गोटे आंसर से निजे ही तैयारी करिवो निजो को से किछि तीन धाड़ी चार धाड़ी पांच धाड़ी गोटे पाराग्राफ गोटे पेज रे दी पेज रे ताको कौन करिवो आंसर तैयारी करिवको पड़िवो सेटा को आमे कंस्ट्रक्ट रेस्पोंस असेसमेंट बोल के कही था। ओके, तो देखो डेफिनेशन ये बुझी पार्थ कंस्ट्रक्टर रेस्पोंस असेसमेंट आर आइटम्स दैट आस्क स्टूडेंट स्टूडेंट को पचार कौन टू अप्लाय नॉलेज नॉलेज अप्लाय करिया कोचे स्किल एवं क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी टू रियल वर्ल्ड। ओके, स्टैंडर्ड्स ड्रिवन परफॉर्मेंस गोटे कथा से माने असेसमेंट तो ये सब गुड़ाक एसेसमेंट कार्य ही से सब गुड़ा किए कौन कह नलेज स्किल एगुड़ी को एप्लाय करी सी कौन कर एप्लाय कर एप्लाय कलापर आम जापर जो आकचुआल सी के एटेन करती सी स्टडी करती सी कौन करती आबिलिटी अच्छे से जिनसा प्रतरे सी के एचिव करें डिटरमाइन करना ना दे आस्क स्टूडेंट टू फिल माने मुख्य कथा यार डेफिनेशन ये आस ये पॉइंट रू बुझिपार दे आस्क स्टूडेंट टू फिल इन ए वार्ड गोटे वार्ड फिल कर। ओके, और ए फ्रेज इन ए स्पेसिफिक टेक्स्ट किसी टेक्स्ट को यूज करके गोटे फ्रेज तैयारी कर एंड यूजुअली रिक्वायर ओनली सिंपल रिकॉल सी केमी आसो सेटा सिंपली रिकॉल करके सी मन पकई कौन कर आंसर टी को जापर बाहर करपर और एट बेस्ट एन इनफरेन्स मैं जो डायरेक्ट जोटा बेस्ट आंसर टा से रिकॉल करके कहींपर। तो मुख्य उद्देश्य कंस्ट्रक्टर रेस्पोंस असेसमेंट से कौन करा गोटे वार्ड टे फिल कर कि गोटे फ्रेज केतक स्पेसिफिक टेक्स्ट को लेकिन गोटे फ्रेज तैयारी कर आम कहीपर गोटे पाराग्राफ कतोटे लाइन यूज करना ना गोटे मिनट ठीक अच्छे। क्लीयर है, नेक्स्ट देखा एग्जाम्पल कथा कहला एग्जाम्पल फिलअप्स कथा कहला जोटा कि फिलिंग दि ब्लांक्स कथा कौन सर्ट एसेस कथा कह छोटिया छोटिया वन लाइन टू लाइन छोटिया छोटिया एसे गुड़ाक छोटो आंसर है भाई क्वेश्चन गुड़ाक देन लंग एसे कथ कह जोटा कि आम कह गोटे गोटे पाराग्राफ गोटे गोटे पेजेस टी आम आंसर लिखित ये सब गुड़ाक युड़ाक एसेसमेंट तुम एगुड़ाक तुम एसेसमेंट गुड़िक को टाइप रो ना कंस्ट्रक्टेड रेस्पोंस असेसमेंट रो क्लियर है थी आई होप बुझी पार्थ तुम्हें जिनस गुड़ा को। ओके, तो जदि आम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टेड रेस्पोंस देखा आम सिलेबस आम के कवर कर जिन देखा देन आम ये कौन कौन पढ़ा देख फर्स्ट ऑफ ऑल आम पढ़ा कंप्लीशन कंप्लीशन गोटे टाइप अच्छे देन आसला तुम शॉर्ट टाइप शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, तीन नंबर तुम आसला कौन लॉन्ग एसे बा एसे आइटम्स कौन कही था देखो एसे आइटम्स लाइटा ठीक अच्छे ना बुझीगला ये जिनस बुझला समस्त को
कंस्ट्रक्टर रेस्पन्स एसेसमेंट कौन बुझीगल नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट स्लाइड को देखा ठीक अच्छे नेक्स्ट बर्तमान गोटे गोटे डिस्कस करवा प्रत्येक गोटे कंप्लीशन कौन शॉर्ट आंसर कौन रो एस आइटम कौन रु गुड़ाक गोटे गोटे करके डिस्कस करने ओके तो कंप्लीशन कौन देख फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीशन कौन द कंप्लीशन टेस्ट मे बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ सेंटेंस ये देख ए सीरीज ऑफ सेंटेंस है कंप्लीशन माने केते गुड़े सेंटेंस रो सीरीज कथा कह इन व्हिच सर्टेन इंपोर्टेंट वर्ड और फ्रेजेस हैव बीन ओमिटेड माने कौन है देख बुझे देख द कंप्लीशन टेस्ट मे बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ सेंटेंस के सेंटेंस रो सीरीज हो सेंटेंस गुड़िको मध्य सेंटेंस रो सीरीजटा मध्य कौन हो कतोटी इंपोर्टेंट वर्ड बा फ्रेज को कौन कर दि जाइए ओमिट कर दि जाइए छाड़ी दि जाइए ठीक अच्छे एंड ब्लांक्स सबमिटेड फर दि पोफिल टू फिल से जो इंपोर्टेंट वर्ड बा फ्रेज बदल में कौन रखा जाइए तुम्हें ब्लांक रखि दि जाइए गोटे खाली छाड़ दि जाइए जोटे कि पोफिल कौन कर फिल कर बुझीगला सेटा को आम कंप्लीशन कही थोड़ा आम जनरल वर्ड में कही थो फिलअप्स फिल इन द ब्लांक बोली कंप्लीशन बोली क्लीयर हो गला नेक्स्ट ए सेंटेंस में कंटेन ए सिंपल ब्लांक से सेंटेंसटा मे भी गोटे केवल गोटे ब्लांक कंटेन कर इट मे कंटेन टू और मोर ब्लांक कि सी दुई कि अधिक ब्लांक यूज कर व्यवहार कर गोटे सेंटेन्स ओके द सेंटेन्स इन दि टेस्ट मे भी डिस्कनेक्टेड किसीटा सेंटेन्स कौन कर डिस्कनेक्ट कर मानने कौन हो किसी गोटे सेंटेन्स टी लिखाला कमा तार ब्लांक थी से तुम कौन कर कंटिन्यू कर ठीक अच्छे से भाई जिनस गुड़ाक कंप्लीशन रंप्लीशन भितर इनवल्व हे नेक्स्ट दे मे भी अर्गानाइज इन टू ए पाराग्राफ किंबा सी गोटे पाराग्राफ रूप में अर्गानाइज हो सज कर ठीक अच्छे एग्जाम्पल कथा देख एग्जाम्पल टू आराम से बुझीपर एग्जाम्पल कौन देर इज मोर परसीव जहाँ भी एग्जामिनेशन से एग्जाम्पल कथा जहाँ आसा तुम मन को लिखिनेब जस्ट मुझा खोजी खोजी जिनस गुड़ाक बाहर करेंगे लिखी ठीक अच्छे देर इज मोर परसीव सरी परसपिरेसन इन दि डेस सीजन बुझला ना तो जस्ट आम आम ध्यान यहीटा उपा दरकार गोटे ब्लांक रहा ये देखिपार दुईट ब्लांक रहा ठीक अच्छे ये सेमती कौन हो गोटे ब्लांक रहा कि कौन कहीपर आमर एटा डिस्कंटिन्यू अच्छी कौन अच्छे यहाँ डिस्कंटिन्यू अच्छी हाँ ना ना दि फास्ट परफॉर्म टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय डेस माने आम से कौन करें कंटिन्यू करवा ठीक अच्छे ना हुई इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन कौन हो सरी ये तो गोटे अलग टाइप क्वेश्चन होगा यहाँ नेक्स्ट को जी शॉर्ट आंसर टाइप रही जदि आम कह प्राइम मिनिस्टर ऑफ सॉरी जवाहरलाल नेहरू वाज दि डेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आम से आराम यूज कर डेस्टा जो रहा से आम यूज कर जहाँ भी बुझीगला एगुड़ी को आम कंप्लीशन बोलिक कहीदेव आडभांटेजेस क्या देखने आडभांटेजेस कौन रोज कंप्लीशन कंप्लीशन द्वारा कौन कौन बेनिफिट होलिक आम डिस्कस आलोचना करवा ओके तो आडभांटाइजेस देखो प्रथम आडभांटाइजेस कहला कंप्लीशन टाइप आइटम्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट आपको इजिली आम कौन कंस्ट्रक्ट कर इजिली आम आपको या सच टाइप ऑफ आइटम्स आर पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड आपको अधिक व्यवहार करगुड़ी पॉपुलर दि पुपिल आर क्वाइट फैमिलियर विथ सच आइटम एम पुपिल मैंने पाने स्टूडेंट मैंने यही कंटेंट विषय यही कौन असेसमेंट विषय में आगर कौन होती फैमिलियर था परिचित होता देर इज नो स्कोप ऑफ इट तीन नंबर पॉइंट देखो इंपोर्टेंट पॉइंट देर इज नो स्कोप ऑफ गेस वर्क एंड एस एस दे आर मोर रिलेबल तो यही मैंने सी कौन कौन कंप्लीशन रे गेस वर्क कार्य करना तुम्हें गेस करके किसी भी कहींपर ना से कौन करवा मोर रिलेबल कहींपर अधिक भरोसा योग्य बोलिकपर सच आइटम्स कैन मेजर बोथ नॉलेज एंड कंप्रिहेंशन हाँ जी ड्रेस मानने यही जो फिलअप करने दिगला ब्लांक दे दिगला से कौन हम बहुत तरह नॉलेज आम जापर तक कंप्रिहेंशन तार अंडरस्टैंडिंग टाइम जापर जो एक्चुअली से सब्जेक्ट मैटरटा को अंडरस्टैंड करें मैंने बुझी ना ना विषय से किसीटा नॉलेज रखी ना ना यही तार आडभांटेजेस रही है तुम कंप्लीशन रो ठीक अच्छे कंप्लीशन सरला बुझीगला कंप्लीशन क्लीयर होगा आई होप क्लीयर हो जाइए ठीक अच्छे ना जब क्लीयर होनी देन कमेंट कर किसी असुविधा नहीं जब एटी होनी चार्ट्रे होनी देन तुम नॉर्मल कमेंट करो मुझे नेक्स्ट वीडियो आपण कमेंटा को दूर ए सरी प्रॉब्लमटा को दूर करने चेष्टा करी ओके नेक्स्ट देखा सॉर्ट आंसर टी डिस्कस करने सॉर्ट आंसर जमी ना अच्छे सॉर्ट सॉर्ट माने छोटो तो आम आराम से कहीपर भल है
सर्ट मैंने आम आराम से कहींपर कौन आंसर टा कौन होती छोट हो आंसर टा तर छोट हो दैट्स ऑल एति क्या ना ना तो सर्ट आंसर क्वेश्चन आर ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट रिक्वयर स्टूडेंट टू क्रिएट एन आंसर ये कौन हो चूज करनी ये कौन कर आंसर गोटे क्रिएट करयारी कर दे आर कमनली यूज इन एक्जामेसन टू एसेस दि बेसिक नलेज एंड अंडरस्टाण्डिंग जनरली ये जिनसा मन रखिए सर्ट आंसर केवल यूज हम तुम कौन बेसिक लेवल अफ लर्णिंग लर्णिंग को एसेस करने बेसिक लेवल अफ लर्निंग बेसिक लेवल अफ लर्निंग को एसेस करने ही तुम्हें सर्ट आंसर टी यूज कर अदरवाइज कर मैंने हाइली हाई लेवल लर्निंग को कौन एसेस करने तुम्हें सर्ट आंसर को यूज करना ठीक अच्छे तो दे आर कमनली यूज इन एक्जामिनेशन एक्जामिनेशन यूज कर एसेस दि बेसिक नॉलेज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जोटा कौन लो कॉग्निटिव लेवल क्या जो मन ना देन आई अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फास्ट फास्ट वीडियो जाइए रेफर कर देख जाइए अफ ए टॉपिक बिफोर मोर इन डेप्थ असेसमेंट क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दि टॉपिक गोटे अधिक डेप्थ को जाकि असेसमेंट क्वेश्चन पचार पूर्व आम कौन करें ये सर्ट आंसर टाइप असेसमेंट को यूज करके तार नलेज टी परीक्षा कर तार कौन अंडरस्टैंडिंग को आम परीक्षा करें ठीक अच्छे बुझीगला ना देखिए बुझेगा कि नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन कौन नेक्स्ट कहला क्वेश्चन मे रिक्वायर आंसर सच एज कंप्लीट दि सेंटेंस जमीक क्वेश्चन तुमको कह सेंटेंस टी को कंप्लीट कर हला सप्लाई दि मिसिंग वर्ड किंबा मिसिंग वर्ड टी को सप्लाई कर मिसिंग वर्ड टी को सप्लाई कर किंबा शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव आंसर टिके हो वर्णना करके लिखिब हालांकि सेमती आंसर आसपार कि डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन डायग्राम टे थो तुम्हें तार कौन कर एक्सप्लेन कर गुड़ाए जिनस तुम हो पार शॉर्ट आंसर र ठीक अच्छे जमीक MHS HZ मेजर्स दि डेस अफ दि कौन कंप्यूटर कौन मेगा मेगा हर्ज बा किसी जहाँ भी है मेगा हर्ज कि सी कंप्यूटर कौन मेजर करुच डैश अफ दि कंप्यूटर तो ये जहाँ भी आंसर आसा भी तुम कौन हम सर्ट आंसर टाइप रही ठीक अच्छे ये कंप्लीटिशन भी हम कंप्लीशन भी हम कि असुविधा ना कि सर्ट आंसर हम ठीक अच्छे लिस्ट दि डिफरेन्ट टाइप अफ प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर दैट्स अल तुम कौन कर लिस्ट कर किसीटा वर्णना कर किसीटा गोटे कौन कर लिस्ट टे या कर तो किसी डाटा इनफर्मेसन तो इनफर्मेसन को तो लेखना ना ना तो यहाँ को आम कहींपर सर्ट आंसर टाइप रो कौन कौन देख लास्ट पॉइंटा अनलैक् MCQ अनलैक् MCQ भली देर इज नो गेसींग अन् आंसर ये तुम्हें मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन भली तुम ये गेस कर ना कारण स्टूडेंट को गोटे आंसर देवाक पड़ता है गोटे उत्तर टीए देवाक पड़ता है बुझीगला ये कौन कर तुम्हें ऑप्शन चूज करी गेस करी जो कौन आम आराम से कहींपर ना ठीक अच्छे क्लीयर है ये तुम सर्ट आंसर टाइप देख कंप्लीशन बुझिले सर्ट आंसर टाइप बुझिले नेक्स्ट जी आम कौन एस टाइप को एस आइटम्स को क्लीयर है कि क्लीयर हो भाई मुके देखा एस आइटम्स देख कौन एटा एस आइटम्स आर बेस्ट फॉर मेजरिंग स्टूडेंट्स अरे एस आइटम्स आर बेस्ट फॉर मेजरिंग स्टूडेंट्स हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी बा हायर लेवल ऑफ लर्निंग को यूज करने मेजर करने आम एस आइटम को यूज कर यूज करट अफर स्टूडेंट एंड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट मानक गोटे अपॉर्चुनिटी दौर कौन टू डेमोनस्ट्रेट नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी इन ए वैरायटी ऑफ वे विभिन्न प्रकार वे रे कारण एसएटीए लिखुची मैंने से अनेक गुड़े लिखार अच्छे से ही जिनस गुड़ाक लिखा समय से ही जिनस गुड़ाक लिखा समय से विभिन्न प्रकार वे रे भाव विभिन्न प्रकार जिनस को भाव तो यहाँ गोटे स्टूडेंट मानक अपॉर्चुनिटी टे मिल पार्चे आम कहींपर वॉइस क्लीयर अच्छे ना एवं प्रॉब्लम पारे किसी ना ओके बुझीगला ना तो ये कौन कर स्टूडेंट को गोटे अपॉर्चुनिटी दूसरी जे इजिली सी कौन कर तार थिंकिंग स्किल को यूज कर तार एबिलिटी को यूज को डेमोनस्ट्रेट कर देखेब ओके इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल एस आइटम द्वारा तार राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने व्यवहार कराएपर दि एबिलिटी टू फॉर्मुलेट आर्गुमेंट यामर एस आइटम गुड़ी को व्यवहार करा कर एस आइटम द्वारा सी कौन कर देख एस आइटम द्वारा सी क्रिटिकली जिन गुड़ाक भाव निश्चित भाव भाव कारण विदाउट थिंकिंग सी कौन टोटाली लिखी ही पारे कारण आंसर गुड़ाक या एस आइटम गुड़े अनेक गुड़े गोटे बड़ बड़ पर अधिक पर भुक्त
ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଟିଏ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମର ଏଇ ଏସ୍ଏ ଆଇଟମ୍, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ବା ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲି ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟର ଏ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସିଏ ଲେଖୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପର୍ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଭର୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ ତୁମର କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପେଜେସ୍ଟା ବା ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ରହିବ, ଲାଇନ୍ କଥା ଏଠି ଉଠିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇନ୍ କଥା ଉଠିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ କଥା ଉଠିବ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କଥା ଉଠିପାରିବ। ଓକେ, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ର, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଲା ସିଏ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କରିବ ତୁମର ନା, ହେଉଛି ଆଗା ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ବା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଏସେସ୍ କରିବ ବା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଏସେସ୍ କରିବ। କାହିଁକି, କାରଣ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିନି, ଏସେସ୍ କରାଯାଇପାରିନି, ସେହିଭଳି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଏସେସ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ତା'ର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଉଛି। ଓକେ, ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଙ୍ଗ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏସ୍ଏ ଆଇଟମ୍ରେ ସିଏ ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ ଜେନେରାଲି କ'ଣ କହୁଛି, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ କହୁଛି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ରିଜନିଙ୍ଗ ଆଉ ତା'ର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ସିଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଦେଖେଇବ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି, ସିଏ ଏମିତି ନୁହଁ, ସିଏ କିଛିଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉଛି ପିଲାର ରିଜନିଂ କେତିକି କାପାସିଟି କେତିକି ଅଛି, ସେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବିଲିଟି ତା'ର କେତିକି, ସେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ପାରୁଛି, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଉ ରିଜନିଙ୍ଗକୁ। ଓକେ, ତିନି ନମ୍ବର ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁ କହିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା, ବା ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ରହିଲା, ବା ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ସେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ତିଆରି କରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ତିଆରି କରିବ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏସ୍ଏ ଆଇଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଆବିଲିଟି କଥା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବା, ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ କ'ଣ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେଉଛି, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଆଉ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଯଦି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନ ଆସିଲା, ବା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ ଗେଦର୍ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ କିମ୍ବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଫଳ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା, ବୁଝିଲା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି, ଅଛି ତୁମର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥାଏ ତେ ଦେନ୍ କହିବ ତୁମେ, ଯଦି ବୁଝୁନି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ସର୍ଟ ସରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ତା'ର ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସବ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍, ଏସ୍ ଆଇଟମ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଥା ଦେଖ, ଇଜି ଅଛି ଟପିକ୍ଟା। ଏସ୍ଏସ୍ ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବ ନା, ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍କୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା, ତ ଦେଖ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ତିନି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇଠିକି ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କର, ଇଏ କ'ଣ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଟୁ ଗ୍ରେଡ୍ କଥା ହଉ, ବା ପିଲା ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି ହଉ, ଇଏ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବ, ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ ଏସ୍ଏରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି କଭର୍ ହୋଇଥାଉଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ଏ ଦେବା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଏସ୍ଏ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି, ଏସ୍ଏ ଟିଏ ଲେଖାଯାଇପାରୁଛି, ବୁଝିଲା। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ମାଇ ଫାଦର୍ ମାଇ ମାଇ ମଦର୍ ଏମିତିକା ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଏସ୍ଏ କଥା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ରଚନା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏସ୍ଏ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଏଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍, ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍, କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେତେଟା ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି,
कंटेंट लिमिटेड हो जाए सब जिनस एगुड़ाक वर्णना कर सब गुड़ाक एगुड़ा यूज होपर आसा पुअर राइटिंग जेहेतु ये अनेक गुड़े लिखुच स्टूडेंट से राइटिंग स्किल रे बहुत प्रॉब्लम आसव राइटिंग जो कौन कौन डिजाइनटा से ठीक से हीपर ना भल भाव से लिखिपर ना पुअर राइट हो स्पीड हो गले अटोमेटिकली अक्षर अनावना हो जाए क्लीयर है। नेक्स्ट देखा कंस्ट्रक्शन फर सरी गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन फॉर स्कोरिंग बुझला ना ता पूर्व कहीन एति जदि कौन डाउट थे देन ग्रुप रे पचार ग्रुप रे तो हमने टेलीग्राम रे जदि किसी प्रॉब्लम है टेलीग्राम रे पचार नबो ओके। नेक्स्ट देखिबा आमे कौन नेक्स्ट देखिबा गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करिया पे कंस्ट्रक्ट करिया पे कंस्ट्रक्ट करिवो कोटा एटा तो बुझिया पड़िबो ना कौनटा कंस्ट्रक्ट करिवो तुमे ना तुमे कंस्ट्रक्ट करिवा को चाहू छ जे कोटा जहाँ तुम्हें एसेसमेंट गुड़ाक रहा से जो कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स एसेसमेंट कथा पढ़ुं सपोज तुम्हें आंसर सर्ट आंसर कथा कह कि एस आइटम कथा कह कि आमर जो फास्ट की पढ़ले से जहाँ विषय कह कह कम्प्लीशन कथा कह तुम्हें केमिका कंस्ट्रक्ट कर मूल कथा जोटा हो यूनिवर्सल कथा कह कंस्ट्रक्शन करने कौन कौन गाइडलाइन रंस्ट्रक्शन करने कौन कौन गाइडलाइन रोज से जिनस देखिए फास्ट है लिमिट द प्रॉब्लम दैट दि क्वेश्चन पोजे से गोटे क्वेश्चन जहाँ भी प्रॉब्लम ताको लिमिट करदेव कमेदेव सरला जोटा कि पिला कन्फ्यूज कर प्रॉब्लम गुड़ी को लिमिट करवा कमेदे यूज सिंपल वर्ड यूज करा पड़ो जहाँफल कौन हम से जो तुम जो कंस्ट्रक्शन कर जहाँ भी एसेसमेंट रहा है तार गोटे क्लीयर मिनिंग पिलाखे पहुँची पार स्टूडेंट पाखे गोटे क्लीयर मिनिंग टे पहुँची पार ठीक अच्छे। तीन नंबर प्रिपेयर क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर कंसीडरेबल थॉट हाँ एमती क्वेश्चन तैयारी कर जी कि मानने भावी बाध्य करा सहित सी कौन हो रिलेटिवली वर्ड गुड़िक सहित पद गुड़िक सहित से प्रश्न गुड़िकर उत्तर दे होके। नेक्स्ट चार नंबर पॉइंट डोंट जज पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर माने बहिर्भुक्त फैक्टर्स कथा कहबा से एक्सटर्नल फैक्टर बेसिस रे आमे पेपर को जज करबानी बा कंटेंट को जज करबा नाही कंटेंट एमिती हेबा दरकार जोडे कि पिला को भाबिया पे बाध्य करबो पिलार रिलेटिवली वर्ड वर्ड को यूज कर आंसर दे पार्थिव आ सहित किसीटा तार लर्निंग सहित रिलेवेंट होता दरकार ओके अदरवाइज जो स्टिपुलेट है ठीक अच्छे। ये तुम गाइडलाइन केतोटी फॉलो करा पड़ो आम कंस्ट्रक्ट करने एसेसमेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा एसेसमेंट तो आम कंस्ट्रक्ट करदे नेक्स्ट देखा स्कोरिंग करने मार्किंग करने ग्रेडिंग करने गाइडलाइन कौन रही है देखनी गाइडलाइन फॉर स्कोरिंग आर चारिटा मेथड यूज हो पाँचे पॉइंट मेथड आनालीटिक मेथड होलिस्टिक मेथड आ गोटे प्राइमरी ट्रेट मेथड जदि पॉइंट मेथड कथा कह एस जो लिखला पिला तार प्रति की पॉइंट को इनक्लूड कराब प्रति की पॉइंट को देखिकी आम कौन करवा मानने जहाँ भी पॉइंट रहा की पॉइंट गुड़ा को देखा की पॉइंट देखापर ताक आम कौन करवा मार्किंग मार्किंग करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट है आनालीटिकाल मेथड आनालीटिकाल मेथड को आम टू वे कही टू वे कहीं देख ये कौन कर से जो जहाँ तुम टपिकटे रहा कौन करसाइट रहा एमती आनालाइज करदेव बा दुईट सब टपिक रे भांगिदेव दुईट एमती सब टपिक रे भांगिदेव नेक्स्ट सी देख सब एमतीका सब टपिक जोड़ा कि इंपोर्टाट हो कौन हो इम्पोर्टाट सब टपिक रे भांगिदेव जमीक सब धरने सी कहला प्रथम किसी गोटे आम लिखा इंट्रोडक्शन देवा एबाउट लिखा जहाँ भी रोज कंक्लूजन लिखा एम सी कौन कर दुईटा सब टपिक रे भांगिदेव से सब टपिक गुड़ा भांगिया भांगा समय में से की पॉइंट और स्केल को जमी ध्यान दे ठीक अच्छे। ये दुईटा टपिक रे सब टपिक भांगिकी आम कौन करवा से पर्टिकुला टपिक रे के लिखिले के ग्रेडिंग होगा कथा ता अनुजाई आम मार्क देवा से अनुजाई स्कोरिंग करवा तो से आम कह आनालीटिक मेथड। नेक्स्ट आसा होलिस्टिक मेथड जदि होलिस्टिक मेथड कथा कहता है पूरा एसेटा को होल बोली गोटे नहींपर आम कौन करवा ग्रेडिंग करवा पूरा एसेटा देखा तार क्वालिटी चेक करवा पूरा एसेटा को गोटे एमती नुह यही पार्टा को देखिक केत मार्किंग करा सहित तो यही पार्टा को देखिक आउ के मार्किंग करमी नुह पूराटा को देखा यहाँ यो ये जिनसा कहल यही पार्टा ये हम आनालीटिक मेथड्रे कि पूराटा कथा जदि आम कह पूरा एसेटा को होल बोलिकी धरी नहीं कि तो सही कौन हम से कौन हम से आम जस्ट क्वालिटी चेक कर क्वालिटी हिसाब से आम ग्रेड दे पार ए ग्रेड कि बी ग्रेड कि सी ग्रेड कि डी कि ई कि आम जब कह बिलो एवरेज ना एवरेज ना एबोव द एवरेज जोटा कि आम गुड
बेस्ट बेटर एम जो कही थाउ से ग्रेडिंग सिस्टम आम करवाक वन वे स्कोरींग वन वे स्कोरींग रुब्रिक बोलिक आम कही थाउ ठीक अच्छे बुझी। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी ट्रेट मेथड। प्राइमरी ट्रेट मेथड कौन जो आम कह चेक व्हेदर कंप्लीटेड और नॉट ये जिनसा चेक करवा जे सी जो लिखी जहाँ आम एसे थिला एसे टा वास्तव में कम्प्लीट होना सरी किंवा आमर जहाँ प्री डिटरमाइंड स्कोर थिला स्कोर न तो नुह प्री डिटरमाइंड आमर जहाँ एक्सपेक्टेशन थिला जे ई एसे टी रो एमि एति के आंसर हेबा कथा से एक्सपेक्टेशन को सी मीट करिछि किंवा अनमेट अछि ठीक अच्छे एमती देखा बा लास्टा आम केवल ये देखा सी कम्प्लीट करी ना कम्प्लीट करनी कि आम जी भावुँ से सी लिखी ना ना से आम कह कम्प्लीट कि इनकम्प्लीट बोल कि ना ना तो एमती तुम गाइडलाइन फॉर स्कोरिंग स्कोरिंग है कि एति जिनस तो ये तुम कौन टोटल टोटाल जहाँ भी आज पढ़ले आम ये तुम कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स एसेसमेंट कथ आई होप भिडी बहुत भल लगी ठीक अच्छे जदि किसी भी मिस्टेक थाए दे कही रखी टी क्षमा कर नब कहीं देखी पार थी टाइम के ठीक अच्छे घंटे एगार बाजी राति फेब्रुआरी तीन तारीख घंटे एगार घरे भी जो तले उठी जी देन बहुत गाली पड़ो ठीक अच्छे जस्ट केवल ये मानने एबे भिडियोटी सरला एतिक बुझेली तुम मानक भिडियोटी भल लगी थी आशा कर किसी भी सपोज कौटे कौन सी जगार भूल कि कौन जो मिस्टेकली कहीदेवि तेल क्षमा करदेव है कि हो जाए कारण एमती भूल होता है किसी कौन कह कि कौन बुझेली स्टिल ठीक से मोर मन ना ओके तो जहाँ रहा देखा नेक्स्ट क्लास में देखने तो जो मैंने भी जॉइन होगा चाहूँ पीडीएफ जॉइन हो जाओ किसी असुविधा ना है जो मैंने वरीड अच्छा क्लास कम्प्लीट हम कि ना क्लास कम्प्लीट हम कि ना देन क्लास कम्प्लीट वेट कर 15 to 20 डेट पर्यंत तुम्हें पेडागोजी चलाओ ठीक अच्छे पेडागोजी तुम्हें चलाओ किसी असुविधा ना पेडागोजी दुईटा चली था तुम लर्निंग एसेसमेंट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रो पर्यंत चली चल 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 ना तुम पाखे अगर कौन से उपाय भी नुह तुम्हें कौन ए चाहिए कौन सब गुड़ा कवर कर नुह है कि जहाँ जमी ठीक टाइम रुए सब जिन हम वेरी हेबार ना ठीक अच्छे पेडागोजी चल पेडागोजी प्रथम रुए तुम पेडागोजी प्रथम अच्छे ना तुम पेडागोजी चल चल किसी असुविधा ना से जिनस गुड़ाक धीरे 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 क्लास सरीज मु भावुँ चेषा करवा सारी देवाई ओके जहाँ हम देखा हम ओके तो वेरी सरी आ गुड नाइट नो ओके धन्यवाद पुणी देखा आउ गए क्लासेस जब भिडियोटी हेल्पफुल लगी भिडियोटी को लाइक कर चैनल जब नुआ अच तो सब्सक्राइब कर भिडियोटी सेयार कर अधिक रु अधिक जमीक समस्त पाखक जिनसटी पहुँची पार सहित मुँह भी कौन बेनिफिटेड है जो मोर सब्सक्राइबर संख्या बढ़ जाए वेरी सुन आम 2000 कवर करवा यहाँ मुझे बहुत आगर तुमको कौच करदि है कि पखापाखि 1800 1860 80 समथिंग होमर है कि आमर कौन कौन आम से आमर गति चली धीरे धीरे 1887 खूब शीघ्र 1900 2000 बहुत दूर ना खूब शीघ्र हो केवल आपण मानर जब आपण मैंने टी सा करेंगे तेल बहुत शीघ्र हो आज कथा ना खूब शीघ्र होके धन्यवाद पुणी देखा आउ गए क्लासेस टिल देन बाय बाय टेक केयर।